गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग हम चले गए वॉक करने के लिए। मैंने सोचा कुछ आपको साइलेंस में पांवटा साहिब की कुछ खूबियां आपको दिखाई जाए। तो गाइस, आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो पांवटा साहिब में होली के लिए स्पेशल बनाई की जाती हैं। और गाइस, इस समय जहाँ पे मैं हूँ वो है वाई पॉइंट, और यह महाराजा अग्रसेन चौक के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोकेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं जूम आउट करके दिखा रही हूँ, ये है महाराजा अग्रसेन जी का स्टैचू जो यहाँ पे बनाया गया है इस चौक के ऊपर। तो कभी भी आपने पांवटा साहिब आना है और गुरुद्वारा देखना है तो आप इस अग्रसेन चौक से जाएंगे राइट में, और राइट में जाएंगे तो राइट में इसी डेस्टिनेशन को फॉलो कीजिए और आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। तो आप बने रहिए आगे तक इस ब्लॉग में, मैं आपको गुरुद्वारे तक के दर्शन कराऊंगी आज बाय वॉकिंग। गाइज, अभी आपको जो आवाज़ आएगी वो झाड़ू लगाने की आवाज़ है, तो सुनिए आप भी। सुबह के बज रहे थे 6 और इतनी सुबह यहाँ साफ़ सफाई की जा रही थी, तो सोचिए गाइस, अगर हम अपने एंड से थोड़ी गंदगी ना बचाएं तो क्लीनिंग कितनी आसान हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी हम वॉक कर रहे थे और यहाँ आपको सारे मोमोज के, इन सब के ढेले दिख रहे होंगे। और देखिए मेरे साइड क्या है, मिरर इमेज अगेन, फाइनल डेस्टिनेशन। गाइस, आप सब ने आई होप फाइनल डेस्टिनेशन मूवी तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, जिसने देखी है वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये फाइनल डेस्टिनेशन तो आयल्स का यहाँ कोर्स जो करवाते हैं वो देखो था। हम पहुँच गए हैं, यहाँ है पांवटा का सिविल हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के इस साइड है जहाँ इस साइड ग्राउंड है और ग्राउंड में ये झूले लग चुके हैं, ये बड़े वाला झूला। कमेंट कीजिएगा गाइस अगर आपको झूलों में झूलना अच्छा लगता है ऐसे मेलों में जा करके, तो ये भी कितना सुंदर लग रहा है। हॉस्पिटल है पांवटा साहिब का, और अभी यहाँ भी क्लीनिंग चल रही है सारे में। मटके आ गए यहाँ पे, ये मेले के लिए आया ना, कल तो दिख रही मैंने मटके यहाँ पे। दो दिन बाद यहाँ दो दिन बाद यहाँ मेला लग जाएगा, पूरे जोरों शोरों से यहाँ पे लोग आते हैं और इस मेले के फंक्शन को देखते हैं कि होली मेला कैसा होता है पांवटा साहिब का। और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड होता है, अगर आपको क्राउड नहीं पसंद तो आप पता ही रहेगा, बट यहाँ बहुत अच्छी जगह है, आना आपकी मर्ज़ी है, अच्छा है, आ सकते हैं सकते हैं। यहाँ सब लोगों ने अपने घर रहने के लिए स्टॉल्स बनाए हैं, इसी के अंदर अपना सारा सामान बेचने के लिए लोग लाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी कला लेके आते हैं, क्या वो हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं, सब कुछ प्रदर्शनी लगती है यहाँ पे। तब तो यहाँ घूमने के लिए भी जगह नहीं होती, बहुत भीड़ होती है, सभी आते हैं दूर दूर से गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए। तो हम अभी आपको यहाँ सारे झूले दिखा देते हैं, कौन कौन से झूले लगे हैं। ये बच्चों की रेलगाड़ी है, अभी दो दिन है वैसे, मौत का कुआं भी दिखाती हूँ। हमने पिछली बार भी ये होली फंक्शन अटेंड किया था और काफी अच्छा था। जब हम क्रेजी कप पिछले बार हमने इसमें झूला था, ये वाला झूला अच्छा था, और ये घोड़ों वाला क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स रेसिंग ऐसा कुछ बोलते होंगे, और ये बोट, ये बच्चों के लिए झूला। गाइस, वो रहा ऊपर मौत का कुआं, जाके देख सकते हैं ऊपर, बंद है। इस झूले की अभी जो सीट्स होती हैं वो नीचे रखी हुई है, और ये सात फला। ये झूला मेरे समझ नहीं आ रहा,
झूला है कि क्या है पता नहीं, साइड बाय साइड देने, ये पूरा राउंड घूमेगा। पिछली बार नहीं थे ये बड़े बड़े झूले, है ना? इस बार ही पहली बार लगा है, बैठा हूँ, बड़ा मजा आता है, पूरा 360 घूमता है। अच्छी वाला डर लगता होगा गाइस, ये दिखाएंगे हम आपको ना, मेरे को थोड़ा यूनिक लग रहा है ये झूला, इसको मैं दिखाऊंगी आपको, इनफैक्ट हम भी झूलेंगे इसमें। और अच्छा ये वो है प्रिंस, ये ऐसे नीचे, ये गोल वाला ना, ये ऊपर ऊपर जाएगा और ऊपर तक घूम घूम के ऐसे को रोटेट होगा, इसमें भी बैठेंगे, रोटेट नहीं होगा, ऐसे गिरेगा, गिरेगा और वेटलेसनेस होगी और बहुत ज्यादा डर लगेगा इसमें बैठ करके। इतनी हाइट नहीं है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, बट फिर भी उसमें डर तो लगता ही है। और इस साइड स्टॉल्स लगेंगी सारे के सारे, कपड़े कुपड़े तो दिखाएंगे आपको इस झूले में बैठ के। यहाँ आगे पुलिस स्टेशन है, यहीं आए थे उस दिन जब हमने लड़कों को देखा था पुल के ऊपर पड़े हुए। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा कितना ज्यादा सुंदर सजा दिया है, ये सब होली के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जेसीबी खड़ी है और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गुरुद्वारा साहिब भी आगे बढ़ाया जा रहा है और शॉप्स वगैरह खुल रही है यहाँ पे। तो सारी शॉप्स नहीं बनेंगी, ये वाली यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे इनको, नहीं ये पूरा नया बनेगा। और काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहा है, अभी तो शायद हम अंदर नहीं जाएंगे, अगर अंदर जाएंगे कभी इन फ्यूचर मैं आपको दिखाऊंगी पांवटा साहिब अंदर से कितना सुंदर लगता है। सारा वुडन कंस्ट्रक्शन है अंदर और काम काफी चल रहा है, देखो यहाँ सारा ड्रिल कर रहा है, ड्रिल नहीं पर खोद रखा है। और ये मेरा आकी, ये अलग खुश हो रखा है यहाँ से, स्पाइसी टेबल फीलिंग हंग्री गेट पिज्जा, पिज्जा खाना होगा इस तो खा सकते हैं आप यहाँ पे होली का फंक्शन देखने के लिए। और ये डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे, ये है एंट्रेंस गुरुद्वारा साहिब की, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये है गुरुद्वारा ग्राउंड, मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से व्यू दिखा देती हूँ, तो दिखा पाई। और मेरा आपको सोच रहा है क्या हो रहा है, गुरुद्वारे की शॉप से ये सारी वहाँ रीस्टैब्लिश करेंगे ना, और यहाँ कवि सम्मेलन, अच्छा यहाँ पे ही बनाएंगे अच्छे से, पुरानी हो गई, काफी पुरानी हो गई है देख के पता चल रहा है, और ऊपर रहने के लिए सराय है, और यहाँ कवि सम्मेलन लगेगा, इंडिया के बहुत बड़े बड़े कवि हैं ये, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से लगता है, होली के टाइम पे लगता है। अच्छा होली के टाइम यहाँ पे, जैसा अभी प्रिंस ने आपको बताया कि कवि सम्मेलन लगता है, हमारे देश के बड़े बड़े कवि सब यहाँ आते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी जब ग्रंथ लिख रहे थे उस समय से यहाँ ये कवि सम्मेलन हो रहा है। और मेरा आकी बोल रहा है मैं भी गा दूँ कुछ, तुमसे परेशान किया हुआ इसने खुद खुद के। तो इसी ग्राउंड से नीचे जाएंगे अगर, तो मैं आपको सनराइज का व्यू दिखाऊंगी। यहाँ आगे पांवटा का कोर्ट है, रेड बिल्डिंग जो, जो ये रेड बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पूरा कोर्ट वाला एरिया है। आप ये अशोक स्तंभ भी देख सकते हैं, ये देखिए अशोक स्तंभ, इसमें चार शेरों का वो बना होता है स्तंभ, और उसके पीछे है शहीद स्मारक, इसके पीछे शहीद स्मारक भी है, प्रिंस बता रहे हैं साथ साथ। तो आपको अशोक स्तंभ के बारे में तो पता ही होगा, हमारे कॉइन्स में भी इसका देखने को मिलता है। तो गाइस अब जो इस रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं ये है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी, आपको दिख रहा होगा बहुत सुंदर सजा रखा है। तो आपको याद है हम बाबा भूरे शाह गए थे, वो उस पहाड़ी पे जाकर के बाबा भूरे शाह थे, और वहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था, वो व्यू मैं इस वीडियो में भी अटैच कर दूंगी ताकि आपको गुरुद्वारे का अच्छे से समझ आए। गुरुद्वारे के इस साइड ये ग्राउंड है, और ये म्यूनिसिपल पार्क है बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस पार्क भी बोलते हैं, ये म्यूनिसिपल पार्क है बच्चों के लिए जिसको चिल्ड्रंस पार्क भी कहा जाता है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के नेचुरल पेड़ पौधे हैं, और इसको भी देखना है, लोगों के मूर्तियां भी लगाई है, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, नेहरू जी मतलब उस समय जो थे उन सब की यहाँ पे पोर्ट्रेट्स भी लगाए हैं, अच्छा है वैसे स्टैचूज लगाए हैं। और यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे गाइस तो
आपको इतना सुंदर व्यू मिलेगा देखने के लिए, मैं आपको बताती नहीं हूँ एडवांस में, थोड़ा सा आपके लिए भी एक सरप्राइज रहने देती हूँ। नीचे दिखेगा तभी आप समझ जाएंगे, वैसे आपको समझ तो आ ही गया होगा सामने से, जब हम गए उधर गए थे बुरेशा उस पहाड़ी पे, तो मैंने आपको बताया था कि गुरुद्वारे और उस पहाड़ी के बीच में क्या है। बाकी देखिए आप, बने रहे हैं साथ में। आकी को तो पहली बार लाए हम यहाँ पे, है ना, आकी का रिएक्शन भी देखते हैं, आकी के सब खुश होता है यहाँ आकर के। सो गाइस देखो यहाँ बिल्कुल शांति है। हाँ पहले हम ज्यादा पतले हो गए थे इसलिए हमने आना छोड़ दिया। मंदिर में अभी भजन लगे हैं राम जी के, आपको दिख रहा होगा गाइस नीचे, यमुना नदी के दर्शन कर लीजिए आप सब भी, कितना सुंदर लग रहा है। ये है यमुना जी का मंदिर यहाँ नीचे, नीचे जाकर दिखाती हूँ, और यहाँ ऊपर गुरुद्वारा है। तो गाइस अभी हम वहाँ से नीचे आ गए थे और नीचे जाकर के ये यमुना जी का बहुत सुंदर व्यू दिखता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बाबा भूरेशा के वहाँ से बनाई थी ये व्यू आपको थोड़ा दूर से दिखाया था, आज मैं आपको क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। तो गाइस मैं इस वीडियो को इस समय यहाँ क्लोज कर रही हूँ, बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसका आगे कंटिन्यूड पार्ट होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी वीडियो एक्सेस लंबी हो जाए। तो गाइस मैं आगे आपको मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये यमुना नदी और यमुना नदी से रिलेटेड यहाँ क्या माइथोलॉजी है और कैसे यहाँ पे यमुना जी की पूजा की जाती है। तो आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर गाइस। Thank you.